देखकर मैं कहा, पिया ये दासी आपको बुला रही है, लेकिन इतने दिन हो गए आपने हमसे कुछ नहीं कहा, ना ही तो हाँ कहा है और ना ही ना कहा है। जैसे ये कहा, इधर भगवत श्रोताओं हुआ क्या है, कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब चमन ऋषि की समाधि खुली है, तो उसी समय जब चमन ऋषि के नेत्र खुले, मैं से ही कहा, बताइए कौन हो तुम, कौन हो जो हमारे चरणों में पड़ी हो, हमारी सेवा में लगी हो, कौन हो? वैसे ही सुकन्या ने कहा, पिया हमारे पिताजी विहार करने के लिए जंगल में आए थे, लेकिन हम अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के जब बगी में घूमने के लिए आए, तो आप भजन कर रहे थे और एक मुझे टीला सा नजर आया और तो नेत्र चमक रहे थे, लेकिन हुआ क्या हम समझ नहीं पाए, हमने आपके नेत्रों को छोड़ डाला है। जैसे ये कहा वैसे ही कहा, हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ करिए। इधर भगवत श्रोताओं हुआ क्या है, इधर महाराज चमन ऋषि ने कहा, आप मांगिए, क्या मांगना चाहती हो? जैसे ये बात कही वैसे ही कहा, आप अगर हमें देना ही चाहते हो तो सुनिए और क्या बोले हैं। और सबसे पहले एक छोटा सा भजन बोलेंगे, ताली।